हमारे चैनल में स्वागत है। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देखिए यहाँ पर लाल बटन सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अच्छे और बुरे दोनों तरीके के स्टॉक्स बताते रहते हैं। बुरे स्टॉक्स से आप दूर रहिए जो आपको रिटर्न नहीं देते, अच्छे स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, खरीदते रहिए। तो बने रहिए हमारे साथ। हम चलिए हम बढ़ते हैं। आज का जो स्टॉक है IDBI बैंक, और बहुत ही चर्चित स्टॉक है क्योंकि गवर्नमेंट ने हाल ही में इसको LIC को दे दिया है कि भाई लो और इस बैंक को संभालो, अपने हिसाब से इसको प्रॉफिट में लाओ। तो लोगों को थोड़ा सा ये डर सता रहा है कि क्या LIC इसको लेने के बाद फ़ायदे में रहेगी या घाटे का सौदा कर लिया है इसने, क्योंकि IDBI पे बहुत सारा बैड लोन है, NPA बहुत बढ़ा हुआ है इसका। लेकिन LIC पे सबको भरोसा है क्योंकि गवर्नमेंट है इसके पीछे, करोड़ों पॉलिसी धारक हैं जिनके LIC, और इसीलिए LIC के पास पैसा ही बहुत आता है। और LIC क्या करती है कि अलग अलग PSU बैंक्स में और भी कई स्टॉक्स में, अलग अलग कंपनीज़ में वो शेयर होल्डिंग खरीद लेती है, कुछ परसेंट की शेयर होल्डिंग बनाती है। जैसे कि IDBI में बहुत भारी उसकी होल्डिंग थी। तो होता क्या है कि कुछ सरकारी बैंकों से इसको बहुत घाटा हुआ है, और दो तीन बैंकें ही हैं ऐसे जैसे विजया बैंक, SBI, जिनसे LIC को फ़ायदा मिला है। IDBI में भी इसकी तगड़ी होल्डिंग है, और ये अपना एक बैंक खोलने के लिए बहुत ही मतलब मचल रही थी कि हमारा भी एक बैंक हो। अब सरकार ने क्या किया कि IDBI बैंक को LIC को दे दिया है ना, कुछ जो भी स्टॉक प्राइस उस हिसाब से पैसे वैसे लेके। अब देखने वाली बात है कि LIC के लिए अब क्या होगा, मतलब LIC का, क्योंकि IDBI बैड लोन देकर भयानक घाटे में है। विजय माल्या हो गए, एयरसेल जैसी कंपनियां हो गई, ऐसे कई हैं जिनके आप नाम भी नहीं जानते और जिनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि उनसे वो पैसा रिकवर हो पाएगा। इसलिए थोड़ा सा लोग बड़े चिंतित हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए ऐसे मौके पे। अच्छा, LIC के पास क्या है कि करोड़ों पॉलिसी धारक हैं, तो पैसा बहुत भयानक आता है इनको, लाखों करोड़ों का टर्नओवर है इनका, पूरे देश से पैसा आता है, हर आदमी इंश्योर्ड, मोस्टली कम से कम 20-25 करोड़ लोग तो हैं ही जिन्होंने पॉलिसी धारक हैं अमूमन। अब चाहती तो अपना नया बैंक भी खोल सकती थी, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इतनी ब्रांचेज हैं, इतने ऑफिसेज हैं, मुझे लगता है उतने तो ब्रांचेज IDBI बैंक के नहीं होंगी अगर देखा जाए। और अगर ये अप्लाई भी करती नए बैंक के लिए तो RBI मुझे लगता है कि एक बार कंसीडर करता, गवर्नमेंट भी कंसीडर करती, क्योंकि LIC बहुत बड़ी संस्था है। तो चलिए हम LIC बात नहीं कर रहे हैं, LIC ने इसको ले लिया। हम पहले IDBI में देखेंगे कि क्या चल रहा है अभी उसकी कंपनी में, कितना क्या रिजल्ट्स उसका फाइनेंशियल दिखा रहा है, कैसी बैंक है फिलहाल। ये देखिए यहाँ पे क्वालिटी वाइज बिलो एवरेज, मैनेजमेंट ग्रोथ कैपिटल स्ट्रक्चर पे बिलो एवरेज की क्वालिटी है। एक होता है कि गुड क्वालिटी, एक होता है कि एक्सेलेंट, एक होता है कि एवरेज, बिलो एवरेज। और देखिए वैल्यूएशन, यहाँ फेयर वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और पी देखिए नेगेटिव में है, ROE इसका नेगेटिव में है, और फाइनेंशियल ट्रेंड फ्लैट है, स्कोर 5 है। अब रिटर्न देखिए, इसके रिटर्न भी वैसे ही दिए हैं, 10 सालों में आपको कहीं भी हरा में नहीं दिखेगा। 10 सालों में जिसने 1 लाख रुपये डाले थे उसके 95,000 हो गए, मतलब कमी है। 10 सालों में तो यार पैसा आप फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दीजिए, डबल से ज़्यादा मिल जाएगा। 5 सालों में 28% नेगेटिव है, 4 सालों में 42% का नेगेटिव है। चलो हम ज़्यादा नेगेटिव नहीं बताएंगे, नहीं आप भी टेंशन में आ जाएंगे। 3 महीने में 31% के नेगेटिव है, और 1 वीक में 0.3%, मतलब कहीं भी पॉजिटिव में हमको इसने रिटर्न नहीं दिए हैं, इन्वेस्टर्स को अपने कमवाया नहीं है। वेरी सॉरी। अब देखिए यहाँ के जो क्वार्टर के रिजल्ट है, 17-18 से दिसंबर 18 के, इंटरेस्ट अर्निंग में थोड़ी सी बढ़त है, 2.56% की, सॉरी, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नेगेटिव है 14%। नेट NPA में थोड़ी सी यहाँ पे मतलब पॉजिटिव साइन है कि कम हुआ है, ग्रॉस NPA भी थोड़ा सा कम हुआ है। चलिए वसूली कर रहे हैं, अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट भयानक नेगेटिव में है, और इसके चलिए ईयरली भी देख लेते हैं। अब देखिए जो मार्च 17 से मार्च 18 के रिजल्ट्स हैं, इंटरेस्ट अर्निंग में भी 17% नेगेटिव में है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पे 71% की चलो पॉजिटिव है, बढ़त है, और नेट प्रॉफिट में भयानक नेगेटिव है। अब देख लीजिए प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 52% है, गिरवी एक भी शेयर नहीं है, और म्यूचुअल फंड्स की 12 स्कीम ने पैसे लगा रखे हैं, FIIs 69 हैं, थोड़ी थोड़ी होल्डिंग है इनकी,
और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की 44.31% इसकी होल्डिंग है, और जो हाईएस्ट प्रमोट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 52% इनकी होल्डिंग थी, इन्होंने दे दिया अभी फिलहाल, ये चेंज हो जाएगा कुछ दिन बाद। इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर्स हैं 1.88% की यहाँ पे होल्डिंग है इनकी। अब ये जो स्टॉक है 2015 से ये जो डिविडेंड नहीं पे करता है, इसका मतलब बिल्कुल प्रॉफिट में नहीं है, आपको डिविडेंड तक नहीं देती, जबकि पीएसयू बैंक क्या होती है, अगर उनका प्रीमियम नहीं पड़ रहा है तो कम से कम अच्छा डिविडेंड तो देती हैं कि चलो शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा है तो डिविडेंड देती रहती है अपने इन्वेस्टर्स को। और आईडीबीआई बैंक अपनी इंडस्ट्री में फोर्थ है, लार्ज कैप की कंपनी है, 32,995 करोड़ इसका मार्केट कैप है। अब 2004 से काम करे 27 सितंबर से। अब दोस्तों इसमें क्या करना चाहिए, हमने जैसा कि अभी दिखाया आपको कि बैड लोन के चलते, भयानक कर्जे के चलते इसमें तो रिटर्न अच्छा नहीं मिला हमें। अब हम बता देते हैं आज का भाव क्या है। मार्च 22 है 2019 फ्राइडे को जो क्लोजिंग है इसकी 42.65 रुपये पे, और इसका 52 वीक लो था 41.30 रुपये और हाई बनाया था 77.50 रुपये। अच्छा यहाँ पे जो सेंटीमीटर में लोग क्या कह रहे हैं कि 100% बाई कर लीजिए, मतलब इस वजह से बाई कर लीजिए क्योंकि LIC ने इसको टेक ओवर कर लिया, LIC का भी ये हो गई है इसलिए बाई कर लें, लोग इतना पोटेंशियल देख रहे हैं। अरे LIC तो अपना भी पैसा इसमें डालती जा रही है अभी डालेगी, और डालने के बाद जब देखो होता क्या है कि जब कंपनी प्रॉफिट में आ जाए, उसका बैंक प्रॉफिट में आ जाए, जब उसका NPA कम हो जाए, अच्छा काम करने लगे, तो समझ में आता है कि बैलेंस शीट इसकी अच्छी है तो अभी खरीदने लायक है। लेकिन ऐसे मौके पर सिर्फ न्यूज़ेस पे खरीदना तो बहुत बड़ा रिस्क है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि हमने मोटा मोटी इस कंपनी के बारे में बात की, इस बैंक के बारे में बात की, और अर्निंग पर शेयर बहुत सारी डेटा हमने तो देखा हुआ लेकिन आपको नहीं बता सकता क्योंकि सब चीज़ नेगेटिव में है, बहुत भयानक घाटे में है, तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। बट मोटा मोटी मैंने आपको दिखा दिया है, 10 सालों के रिटर्न भी दिखा दिया है और ये भी बता दिया है। अब देखते हैं LIC इसको लेने के बाद उसका क्या मैनेजमेंट उसको कहता है, किस प्रकार से वो लोग काम करते हैं, क्या LIC जिस हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया रिस्पेक्टेड भारत की जो इंश्योरेंस कंपनी है, क्या बैंक में भी उसी प्रकार से वो IDBI बैंक को सजा संवार देगी। तो अभी फ़िलहाल इसमें इन्वेस्ट करना खतरे से खाली नहीं है, और फिर भी आप मेरी मत मानिए, मैंने तो सिर्फ बताया जो डेटा उपलब्ध था। आप अपने फाइनेंशियल से ज़रूर एडवाइस करें इस बारे में कि स्टॉक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अन्यथा दूर ही रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।